बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल मसूद। ज़मीननामा की टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम एक और घर आपके लिए लेकर आए हैं और जो कि मॉडल कॉलोनी में वाक़ है। बहुत ही खूबसूरत घर है और ये बेसिकली 133 गज़ से मुश्तमिल है और ये ग्राउंड प्लस वन घर है और इसके अलावा ये कॉर्नर घर है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे किस तरह इन्होंने फिनिश किया हुआ है, बहुत अच्छा आउटलुक दिया हुआ है। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, आपको हम अंदर का दिखाते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने कार पोर्च बनाया हुआ है। देख सकते हैं बेहतरीन फिनिशिंग हुई हुई है। और यहाँ पे जब आप इन होते हैं घर के अंदर तो ये एक वॉशरूम दिया हुआ है जो कि पाउडर रूम है, जो गेस्ट आते हैं बाहर से तो उनको हम यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके लिए बना हुआ होता है। बस दैट ओके। ठीक है व्यूअर्स, आज इस घर का आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं, आ जाइए। अच्छा मटेरियल यूज किया हुआ है इन्होंने दरवाजे का, फॉल सीलिंग भी बड़ी बेहतरीन की हुई है। अब विंडो दोनों तरफ से है कि आप शाम में बैठे हों तो खिड़की खोल के आपको अच्छी हवा मिल सकती है। पहुंचे इस घर का और 1 फुट तकरीबन हाइट पे इन्होंने किचन बनाया हुआ है और किचन आप देख सकते हैं अच्छी कैबिनेट यूज हुई हुई है इसके अंदर। फिलहाल तो मटेरियल रखा हुआ है, नाइस वर्क किया हुआ है इन्होंने, लकड़ी का अच्छा काम है। बेसन देख सकते हैं आप, अच्छा बेसन है। जो आप ड्राइंग रूम होते हैं उसकी 2 एंट्रेंस होती है, एक बाहर से होती है एक अंदर से होती है। तो आप आके देख सकते हैं ये लॉन्च एरिया आ गया हमारा, कि लॉन्च में भी इन्होंने विंडो दी हुई है क्योंकि 2 साइड कॉर्नर है तो इनको अच्छा स्पेस मिल गया विंडो बनाने का। ठीक है व्यूअर्स, इस घर का दूसरा कमरा ग्राउंड फ्लोर का ये आपको हम दिखाते हैं। इसके साथ क्योंकि कॉर्नर का घर है तो ये एडवांटेज है कि इनको गैलरी मिली हुई है, तो इन्होंने इस यहाँ पे विंडो बनाई हुई, विंडो को इन्होंने इससे सेफ किया हुआ है। इसका आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, फॉल सीलिंग थोड़ी अच्छी थी इन्होंने की हुई, बड़ा नाइस इन्होंने काम किया हुआ है। मतलब ज़्यादा फॉल सीलिंग भी बड़ी अजीब सी लगती है, इन्होंने कम इस्तेमाल की हुई लेकिन अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ यूज़ की हुई है। देन इस कमरे का जो अटैच बाथ है आप देख सकते हैं, ये सैनिटी अच्छी यूज़ की हुई है और बेहतरीन इन्होंने काम किया हुआ है। देख सकते हैं आप अच्छा खासा स्पेस है वॉशरूम में। और इसके साथ हम चलते हैं, ये बेसिकली लॉन्ड्री रूम हो गया, अभी तो सामान पड़ा हुआ है क्योंकि घर अभी फिनिश हुआ है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ड्री रूम भी आपको अच्छा खासा स्पेस है, ऊपर से वेंटिलेशन के लिए आपके जो कपड़े ड्राई होते हैं उसके लिए जो एयर है उसका भी आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है। बात है अटैच बात देख सकते हैं, अच्छी सैनिटी इन्होंने यूज़ की हुई है, अच्छा बेसन है, शावर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लगाया हुआ है। यहाँ पर आप रख सकते हैं कोई भी मटेरियल होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस रूम में अटैच बाथ के साथ अटैच अलमारी भी है, जो बिल्डर अलमारी है स्पेस यूटिलाइज करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप वार्डरोब रख सकते हैं, अपने सामान जो भी होता है आप एक्स वाई जेड रख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ इस फ्लोर का जो बाहर का स्पेस है, जो मेहमान आते हैं उनको हम बाहर भी अकोमोडेट कर सकते हैं। इस घर का आप एक्सटीरियर देख सकते हैं, अच्छी बालकोनी इन्होंने बनाई हुई है, आप ऊपर फॉल सीलिंग देखें, कॉर्नर का घर है क्योंकि इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। तो हम चलते हैं इस फ्लोर के जो ऊपर वाला ड्राइंग रूम है उधर चलते हैं, इसका हम आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं। आपको हमने दिखाया था कि जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में इन्होंने बैल्कनी भी बनाई हुई है जो कि अच्छा इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, आपको लॉन्च लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में स्पेस बढ़ जाता है। अमूमन ये होता है कि आपका जो नीचे 120 गज पे होता है वो ऊपर आके ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं कि दोनों साइड पे इन्होंने कॉर्नर का मकान था तो इन्होंने विंडो दे दी है, विंडो के साथ आप किचन वर्क देख सकते हैं कि वुडन वर्क आप देख सकते हैं कितना शानदार उन्होंने किया हुआ है, बड़ा नाइस वर्क है इनका। आप देख सकते हैं इनकी कैबिनेट्स, ये क्योंकि ख़वातीन का शौक़ होता है कैबिनेट्स का तो हम इनको पूरी दिखाएंगे क्योंकि रहना तो ख़वातीन नहीं है भाई। आप देख सकते हैं ये इसकी दराज आ गई है, ड्रॉज देख लें आप इसकी, मतलब फिनिशिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं। ये इसका बेसन आ गया आपके सामने, एक कमरा आ गया जो आपको दिखाते हैं, इसके में अटैच बाथ है, बिल्टन अलमारी है, आप देख सकते हैं। अमूमन 11x12 का जो साइज़ है रूम का वो आप स्टैंडर्ड होता है वो आप देख सकते हैं। ये इसका अटैच बाथ आ गया, स्पेस को इन्होंने अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है।
ये इसकी वो आ गई है, बेसन आ गया, ये कमोड आ गया, डब्ल्यूसी आ गया, और ये वॉशिंग शावर। घर की आपको छत दिखाते हैं, आ जाइए छत आपको दिखाते हैं किस तरह इन्होंने बनाई हुई है, किस जगह किस तरह स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। अब इसमें सामान रखा हुआ है आप देख सकते हैं, अच्छी खासी इन्होंने बाहर को जो है एसएस का काम किया हुआ है, बाउंड्री पे इन्होंने एसएस का काम अच्छा किया हुआ है। बाहर आप देख सकते हैं किस तरह का काम है। आगे चलते हैं, इन्होंने ऊपर एक वॉशरूम बनाया हुआ है जो कि छत पे वाके आपको वॉशरूम दिखाते हैं। क्या कोई आता है मेहमान, बाहर एक्टिविटी अगर कोई भी होती है आप देख सकते हैं इसका वॉशरूम। बेसिकली अमूमन ये होता है कि छतों पे एक्टिविटी होती है, फैमिली इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उस पर वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन्होंने वो एक एक्सेस आपको एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। थैंक यू के व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो के बारे में आपको कोई मज़ीद मालूम चाहिए, हमारे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिट करना चाहें आप हमारे जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लें और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।